नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा हाल ही में एक नया प्रोसेस शुरू किया है जिसका नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आयोग ने लगभग सभी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो अनिवार्य की है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय कई अभ्यर्थियों के जन आधार कार्ड व आधार कार्ड में गलतियों की वजह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय उनकी प्रोफाइल में भी गलतियाँ हो रही हैं। अभ्यर्थी के नाम, सरनेम, माता पिता के नाम में, सरनेम में आदि में गलतियों की वजह से अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी तक आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इस वजह से अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सके। आइए जानते हैं आयोग ने उस प्रेस नोट में क्या कहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें आज 10/5 को ये प्रेस नोट जारी हो, उसमें कहा है आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के अंतर्गत जन आधार कार्ड व आधार के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक बार ये यानी कि एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा ओटीआर प्रोफाइल में। संशोधन की प्रक्रिया पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस संबंध में संशोधन हेतु निर्धारित की जाने वाली अवधि बाबत यथासमय अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर एक प्रेस नोट था जिसमें आप ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन कर सकेंगे। ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगी, इसका अलग से वीडियो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि प्रोसेस कब शुरू होगी और कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एडिट करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ओटीआर प्रोफाइल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।